आप लोग जो मेरे हाथ में ये फोन देख रहे हैं, क्या मैंने इसे किडनी बेचकर लिया है? क्यों लोग अपना किडनी बेचकर आईफोन खरीदते हैं? तो फाइनली इस शौक के चक्कर में हम भी बर्बाद हो चुके हैं, हम भी ये मोबाइल खरीद लिए हैं। लेकिन ये वीडियो ज्यादा शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो मेरे घर तक पहुंचेगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि भाई शौक के चक्कर में ये बर्बादी कर रहा है, घर पे पैसा नहीं भेज रहा है, वहीं पे उड़ा रहा है, वहीं पे कमा रहा है, वहीं पे उड़ा रहा है। तो इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, मैंने इसको लिया है, क्या अंदर में ये फोन है या नहीं है, इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग होने वाला है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्या ये सच में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो iPhone 13 की बात कर रहा था, डॉक्टरों से मैंने सलाह लिया तो डॉक्टरों ने कहा कि एक किडनी से काम नहीं चलने वाला है, डबल निकालना पड़ेगा तब हो सकता है। तो मैंने कहा जीने के लिए तो कम से कम एक छोड़ दो, इसकी वजह से मैंने ये परचेज कर लिया है। तो फाइनली हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? ये सोने चांदी के जैसा है, जैसा कि लोग शौक से हार पहनते हैं, कान में, गले में चैन पहनते हैं, हाथ में चैन पहनते हैं। इसका लेने का कोई मकसद नहीं है, लोग दिखाने के लिए भी लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पास आईफोन है या जिसके पास भी रहता है, लोग उसे घूर घूर के देखते रहते हैं कि भाई इसके पास आईफोन है। और अभी तो ये लोगो नहीं देखता है, लोग यहाँ पे 3 कैमरा देखता है। पहले ये लोगों से काम चल जाता था, लोगों को लोगो दिखा देते थे तो वो समझता था कि इसके पास आईफोन है, लेकिन अब ये 3 कैमरा है। जब तक इसको लोग दिखाकर नहीं चलेंगे, जब तक जो खरीदता है जितना पैसा लगाता है उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और सच में इसमें निकलता है या नहीं निकलता है। थोड़ा आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर नहीं कीजिएगा, नहीं तो हमारे ऊपर मुश्किल हो सकता है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मेरे जो YouTube की फैमिली है उन्हीं तक ये सीमित रह जाए। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और यहाँ से देखिए सील पैक, ऐसा नहीं कि अनबॉक्सिंग पहले से किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सील पैक है, आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं ये सील पैक है। तो चलिए इसको हम सील तोड़ते हैं, मेरे ही हाथों ये टूटेगा, उसके बाद इसको हम फाड़ते हैं। और आईफोन का जो ये अनबॉक्सिंग होता है ये हाथ से भी आप फाड़ सकते हैं, इतना ये अच्छा पैकिंग होता है, हाथ से ही फट जाता है, चाकू की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप इसको ऐसे उठाते हैं, अगर किसी और मोबाइल को ऐसे पकड़ के उठाएंगे तो ये नहीं उठता है, लेकिन इसको आसानी से उठाएंगे तो ये धीरे धीरे करके आसानी से ओपन हो जाता है। तो देख सकते हैं ओपन हो चुका है, ये बॉक्स में कुछ भी नहीं है। उसके बाद नजर करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल मौजूद है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसको हम उठाते हैं यहाँ से, और यहाँ से उठाने के बाद लग रहा है सपना सच हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हैं कैमरा और यहाँ पे लोगो, और ये डार्क ग्रीन है, और यहाँ से भी आप सामने देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए इसको ओपन करते हैं, ये लग रहा है अभी ओपन नहीं हो रहा है, इसमें बैटरी चार्ज है या नहीं है। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं फिलहाल, अगर नहीं होगा तो इसे हम वापस भी कर सकते हैं, इसका वारंटी होता है। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं, और साइड में रखने के बाद इस डब्बे को देखते हैं, डब्बे में क्या क्या मिलता है। तो इसे पहले हम ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोगो है एप्पल का, आप गाड़ी पे या घर के दरवाजे पे या कहीं भी इसका ये फायदा। उसके बाद यहाँ पे ये प्रेम पत्र है, उसके बाद यहाँ पे सिम ट्रे है यहाँ पे निकालने वाला, उसके बाद यहाँ पे इसका लव लेटर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी इसमें तो लग रहा है नहीं लिखा है, लेकिन छोटा मोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको पढ़कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या भाषा में लिखा हुआ है पता नहीं, न पढ़े तो ही अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एयरफोन लग रहा है, उसके बाद यहाँ पे चार्जर केबल है, उसके बाद यहाँ पे चार्ज है, ये कम से कम 18 वाट का होना चाहिए, फास्ट चार्ज है। तो फाइनली हम बात करते हैं लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं। मेरे पास तो हैसियत नहीं है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मैंने आईफोन लिया है, नहीं तो मैं इसके बारे में सोचने वाला नहीं था। क्योंकि इससे पहले मैं एक आईफोन खरीदा था 2013 या 14 13 में खरीदा था, लेकिन मैं उससे परेशान हो गया। इसका एक खासियत है, अगर ये खराब होगा तो बनाने में आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा, कहीं भी जाएंगे बनाने के लिए लोग इतना चार्ज मारते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं इससे पहले एक चोरी का मोबाइल लिया था मुंबई में, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो हम दुकान में जो गए थे बनाने के लिए, लोग इतना ज्यादा पैसा मांगते थे, जितना का हम खरीदे नहीं थे उससे ज्यादा वो पैसा मांगते थे, तो हम भी मजबूर होकर उसे बेच दिए, जितना में लिए थे उतने में बेच दिए।
उसके बाद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि आईफोन खरीदेंगे, क्योंकि इसको चलाना इतना मगजमारी है, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आपको आसानी से नहीं मिलेगा। जो एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाता है कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जल्दी नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा उससे पैसा पे करना पड़ेगा, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कम एप्लीकेशन होता है जो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका मेमोरी बहुत कम होता है, अगर मेमोरी ज्यादा चाहिए तो अलग से मेमोरी नहीं लगा सकते हैं, और उसके बाद अगर मेमोरी फुल होता है तो आप यहाँ पे जाकर इसे मेमोरी खरीदेंगे तो आपसे पैसा चार्ज मारेगा, तो इतना मगजमारी है, कोई न ले तो बेहतर रहेगा। तो फाइनली हमने इसे सेटअप कर लिया है, काफी टाइम लगा है क्योंकि इसमें चार्ज नहीं था, चार्ज करना पड़ा, बाद में इसे सेटअप किया है, ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसे के हिसाब से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि काफी ये पैसा लूटता है, लोगों के दिमाग पे असर करता है, लोग इसे लेना नहीं चाहते हैं, फिर भी शौक के तौर पे लोगों को दिखाने के लिए ले लेते हैं, लेकिन बाद में पछतावा आता है कि यार हमने क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे भी पछतावा आ रहा है कि यार जितना मैंने लिया है इतना में तो कम से कम 4-5 मोबाइल आ जाता है, जितना इसमें मेमोरी है, रैम है या बैटरी है। और एप्पल वालों की एक खास बात है, बैटरी के बारे में तो नहीं बताता कि हमने कितना बैटरी दिया है, ये कह देता है कि यार मैंने दे दिया, लोग विश्वास कर लेते हैं कि यार एप्पल वाला है, बैटरी दिया होगा, अच्छा होगा, लेकिन नहीं दिखाता है कि हाँ इतना दिया है, इतना हजार या 5,000 या 4,000 या 3,000 नहीं बताता है, ये कहता है कि हाँ पहले से बढ़ा दिया हूँ, अच्छा कर दिया हूँ। तो इनका धोखाधड़ी बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें तो चार्जर भी दिया था, लेकिन आने वाले मोबाइल में जैसा कि अभी जो आ रहा है 12-13, इसमें तो चार्जर भी नहीं देता है, छोटा सा वायर केबल दे देता है, बाकी बात आपको चार्ज खरीदना पड़ेगा, एयरफोन खरीदना पड़ेगा, ये बहुत धोखाधड़ी करता है, फिर भी लोग न जाने क्यों इसे खरीदते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल हो मोबाइल से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे जानकारी दे सकते हैं कि हमने क्यों लिया, कैसे लिया, कहां से लिया, इतना पैसा मेरे पास कहां से आया कि मैंने आईफोन 11 प्रो मैक्स खरीदा। यहां पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस इंडिया में मैंने देखा तो 1,10,000 है, नेपाल में देखा तो 1,60,000 है, इतना प्राइस है। तो हमने क्यों लिया, कैसे ले लिया, कहां से मेरे पास पैसा आया, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो मेरे साथ इसका जो तजुर्बा है जरूर शेयर करें, अच्छा है या खराब है, और ये डुप्लीकेट है या फेक है या ओरिजिनल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल फेक है, मुझे तो पता नहीं, आने वाले टाइम में मैं चेक करके बताऊंगा सही में ओरिजिनल है या मेरे साथ धोखा हुआ है।